इतनी गलत तो चाहिए कि उसकी टीआरपी मत बढ़ाइए। ऊपरी प्लान होता है डिप्रेशन करने के, जरूरी नहीं है कि उसको चखा जाए। आपको पता है भड़काऊ है, आप देखकर अपना दिल और दिमाग को खराब कर ही रहे हैं, प्लस उसको फायदा पहुंचा रहे, टीआरपी बढ़ा रहे हैं। अखबार में भी जब तक बुरी खबर छपते नहीं, अखबार बिकता नहीं। आजकल हम अंधेरे के सौदा ले रहे हैं, अंधेरा अच्छा लगता है। जिस अखबार में अच्छी खबर होगी है, खास नहीं बोले आजकल, मजा नहीं आ रहा, तकलीफ वाली बात ही नहीं उसमें, अंधेरा घबराने वाली डराने वाली। कैसा डरा है, कुछ लोग डर क्यों कुछ होते हैं, करते बिलते कुछ नहीं। डरना डरना और खौफ पैदा कर कर ये तो आपके लिए आपके सोचने की सलाहियत को खत्म कर दिया। जिस दिन हम खुद को जानेंगे तब दिल का पता चलेगा, तब दिमाग का पता चलेगा। ये सबसे बड़ी नियामत है। वो हम अक्सर एक कहानी सुनाते हैं, एक बकरी चराने वाला था। बकरियां चराते चराते नजदीक में ही शेर घाटी एक इलाका था जहां शेरों का बसेरा था। शेरों में बहुत यूनिटी थी, वो वहीं रहते थे। और बकरियां चलाते चलाते गलती से वो शेर घाटी में दाखिल हो गया। पछताया घबराया, मगर गलत जगह पे आया बकरियों को लेकर, शेर हमला करेंगे। तो निकल रहा था तो झाड़ियों में उसको एक छोटा शेर का बच्चा मिल गया, जिसकी आंखें बंद थी, आंखें खुली नहीं थी। उसने शेर के बच्चे को लिया, मौके का फायदा उठाया और शेर को घर ले आया। जान बची लाखों पाए, घर आया। घर आने के बाद दो दिन के बाद उस घर के अंदर शेर ने आंख खोली और बकरियों के साथ जवान मल्ला पका हुआ गोश्त खाया। शिकार का नहीं खाया, पका हुआ गोश्त खाया। बड़ा हो गया, बकरियों के साथ ही रहने लगा और बकरियों के साथ चरने भी जाता। तो जब बड़ा हुआ, अच्छा जवान हुआ, वो शेर बकरियों के साथ खेलता। और एक दिन वो खेलते खेलते बकरियों को चराते चलाते वो भी उसी घाटी की तरफ गया। उस वक्त शेर घाटी में शेरों की एक कॉन्फ्रेंस थी, उनकी अपनी कहानी है मिसाल लेने के लिए। शेर बैठे हुए थे, सब पूरा शौक काफिला था शेरों का, बात चल रही थी। उन्होंने दूर से सब शेरों ने देखा कि हमारी भाई कौम, हमें शेर कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट फिक्रमंद ना, शेर कम हो रहे हैं। वो फिक्रमंद थे, हम कम हो रहे हैं तो कैसे कम हो रहे हैं, तो ये फिक्र थी उनको। तो उतने में उन्होंने देखा कि बकरियां आ रही हैं, सब खुश हो गए। आज तो सबकी ईद है भाई, सबने तैयारी की और दौड़ लगाई उन बकरियों की तरफ, जैसे तेज दौड़ रहे थे सब। आज ईद है, आज तो दावत है। और जैसा थोड़ा नजदीक पहुंचे, वो झुंड में से शेर निकला जो बकरियों को प्यार कर रहा था, चार सब रुक गए सदमा तक थे। आपको वही जो मेंबर थे बोले, क्या मंजर देख रहे, ये तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं, ये शेर देख कर बकरी बन रहा है। उनको सदमा हो गया साहब, उस दिन से वो शेर के गम में मुबतला हो गए। अब उनको ये कौन बताए कि वो शेर को मालूम भी नहीं था वो शेर है। आज हमारी हालत वैसी हो, हमको मालूम ही नहीं है कि हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं। हम एनवायरमेंट का शिकार हैं, जो माहौल का असर हमारे पे होता है। तो दिल की ताकत ये सेल बॉक्स की तरह है, इसमें बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे चैनल्स आते हैं और माइंड उसका स्क्रीन है। माइंड उसका स्क्रीन है तो रिमूव क्या हो सकता है, क्योंकि चैनल सेटअप बॉक्स को बदला नहीं जा सकता। हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, हालात इधर आने वाले हैं। तो ये स्क्रीन है बदल के, ये स्टैंड है, स्टैंड पे सेटअप बॉक्स है और स्क्रीन है, जाहिर है रिमूव क्या हो सकता है, रूह। अगर रूह पावरफुल है तो कितना भी खराब चैनल बने तो वो लॉक हो जाए, यहां से ऊपर नहीं आए।
आकर यकीन ये चारों वेपन पे बचे हुए घंटे में रूह की ताकत को इम्प्रूव करना, मुहासबा करना, अपनी कमजोरियों को महसूस करके उसमें से ताकत बनाना। हमारे पास बहुत कम है, बस अब थोड़ी देर और इसका है क्या, इसको कैसे वर्कआउट करें, दिल की ताकत को कैसे स्ट्रांग बनाए, दिमाग। देखो अक्सर मोबाइल का जमाना है आजकल, ये एक ऐसी चीज है जो हर दिल अजीज है, सबकी जरूरत बन चुका है। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको भिखारी भी इस्तेमाल करता है। अब इसके बगैर हमारा चारा नहीं, सिस्टम ऐसा इन्वायरमेंट बना है, वो एक अलग टॉपिक है, कैसे क्या करें। मैं इसकी मिसाल यहां इसलिए दे रहा हूं, मोबाइल आपका कितना भी कीमती रहने दीजिए, जब तक इसको चार्ज करेंगे तभी चलेगा ना, इसको चार्ज करेंगे तभी चलेगा ना, अगर चार्ज ना करूंगा कुछ काम कर। चार्ज करने के बाद इसमें सिम कार्ड अगर ना हो तो काम का ही, सिम कार्ड चाहिए, सिम कार्ड है तो रिचार्ज भी चाहिए, या पोस्ट है तो एक अच्छी बात है, लेकिन रिचार्ज करना भी जरूरी है। ये दो चीजें इसमें अगर प्रॉपर है, हमको यकीन है कि ये मिस्टेक नहीं करता, मिस्टेक करेंगे इसके रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे करेगा, हमको मालूम है नहीं करता ही। इसमें बहुत काम की चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें अनवांटेड आती हैं, इसको हम पसंद नहीं करते, हम क्या करते हैं वो चीजें डिलीट करते हैं, हम नहीं चाहते इसमें कचरा आ जाए, इसके अहमियत से वाकिफ है, और कोई बार बार भेज रहा है तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं, मत भेज, या बोल के सुनाते भाई कुछ भी मत भेजो, ऐसे खराब वीडियो मत भेजो, हम नहीं चाहते कि इसमें खराब चीजें आए और इसको डिलीट करते रहते, कचरे को डिलीट करते हैं, कुछ काम की चीजें सेव करके रखते हैं। उसी तरह से हमारा बदन भी एक हैंडसेट है, इसको प्रॉपर एनर्जी की जरूरत है, एक टैंगेबल की जरूरत है, यह हमें चार्ज होना जरूरी है, ये वॉक ये स्विच ऑफ हो गया तो क्या फायदा। और ये अगर हैंडसेट है, इसका सिम कार्ड क्या है, इसका सिम कार्ड क्या है, दिमाग, सुपर सिम कार्ड जिसका कोई सानी नहीं दुनिया में, उसी सिम कार्ड ने ये इन्वेंशन किया है, उसकी प्रोग्रामिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता साहब, अकेले सलीम दुनिया नहीं कर सकती, 60,000 थॉट्स सोचे, उन्हीं सोचों का ये शाहकार है, इजादात है, गौर फिक्र करने के बाद निकल रही है एक से एक, और आने वाले दिनों में क्या होगा हमको नहीं पता, हम तो पूरी दुनिया एक बस्ती बन चुकी है। तो ये सिम कार्ड, इतना सुपर सिम कार्ड जिसने इस सिम कार्ड को बनाया, इसके माइक्रो प्लानिंग, इस सिम कार्ड को हम डिलीट करते हैं साहब, इसके डिलीट ही नहीं करते, सवाल करते हैं, कचरा कचरा कचरा, पूरी तारीख अंधेरी तारीख, उजाले कम अंधेरे ज्यादा, कई लोगों को मुफ्त में रहने की जगह देते हैं विदाउट रेंट, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बोझ भरी जिंदगी, गुस्सा चिड़ बदला जलन हसद, यहां से यहां दोनों के कॉम्बिनेशन, इतना अंधेरा हो जाता है कि यहां आंखों के सामने ब्लैक चश्मा आ जाता है, दुनिया अंधेरी दिखती है, उजाला नहीं दिखता, हर आदमी शक के दायरे में, एक परेशान चिड़ना बात बात पर गुस्सा होना ये उसका मिजाज बन जाता है, और ये जब माइंड में अंधेरा हो जाता है तो यहां से भी अंधेरा निकलता है, अंधेरा कायम रहे रोशनी की बात नहीं करता, ना उम्मीद हो जाता है,
जिस दिन साहब ये डिलीट करने आएगा, जबकि हमको सब पता है ये चार पावर पे काम करना है, जिस दिन चार पावर पे हम काम करेंगे तो जिंदगी अगर सवारी है तो ये चार पहिए हैं, तो पहिए एक सा चाहिए, किसी भी गाड़ी के पहिए एक सा चाहिए। अगर आपके पास कार है और एक तरफ ट्रैक्टर का, एक तरफ ट्रक का, एक तरफ स्कूटर का, एक तरफ साइकिल का काम लगाएंगे आप, चार मोड़ के चार चाक गाड़ी चलेगी? एक सा चाक चाहिए इसका, और एक भी अगर पंक्चर हो गया तो उसका इफेक्ट तीनों पे होता है, गाड़ी रुक जाती है सर। इसका एक मुश्तरेका प्रोग्राम खुद को खुद ही बनाना है, खुद सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने लिए वक्त देना है, बाकी का एक घंटा रूह की ताकत, बदन की ताकत को तो एक घंटा आपने दिया है, बाकी जो तीन बचे दिल की ताकत, रूह की ताकत, दिमाग की ताकत। ये डिलीट कैसे करें, दरगुजर कैसे करें, मौत कैसे करें, और जिस दिन ये हिम्मत पैदा होती है ये डिलीट होगा तभी तो ये स्पेस बनेगा नई चीजों की। क्रिएटिविटी, गौर फिक्र करना बंद, चश्मा काला, गौर फिक्र करना, बसीरत और बसारत ये खत्म हो चुकी है उन लोगों से जिनके ये दिमाग है। अगर ये लोहा औलाद है तो जंग आलू हो चुका है या होने से बचाना, जहां से जागे वहीं से सवेरा। मेरी छोटी सी जिंदगी है, मुख्तसर जिंदगी है, मैं क्या खुशी दे सकता हूं, वो जिस दिन पता चलेगा, यकीन के साथ। दरगुजर करना माफ करने वाला बहादुर होता है। जिंदगी अगर एक वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें, पेज को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। हमारा ईगो जान नहीं देता, हम एक आदत है, पर्सनालिटी मींस कलेक्शन ऑफ हैबिट्स, आदतें, आदतों के गुलाम होते हैं, कुछ लोग रिवायतों के गुलाम होते हैं, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रिवायतों से भरी हौसलों से खाली अजब कौम है फिर कश्तियां चलाने लगी। बेकार का जोश, और जो मुखालिफ आदमी है वो हमारी स्टडी बहुत अच्छी तरह जानता है, वो हमारे अंधेरे से वाकिफ है। हमारी हालत तो उस गेंद की तरह है जो किसी और के हाथ में, वो जानबूझकर अंधेरा हम पर फेंकता है, हम उसको उठा के रखते हैं। गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा अपने घर में आप कैसे रहते हैं, यहां से शुरुआत होती है। अगर हमारे घर में खुशियां हैं, हमारी बीवी के साथ हमारी जो एनर्जी है, मतलब मोबाइल वो है तो हमारे शरीर के है, चार्जर है। कई लोग, अब मैं थोड़ी सी बात यहां करता हूं, ये चारों पहिए अगर दुरुस्त हो जाए, अगर ये चारों पहिए एक्सम हो जाए, दो घंटे इसको देना शुरू करें मुसलसिल, ये 30 दिन रोजों के क्या होते हैं साहब, ये चार पहिए की मरम्मत ही तो है, ये गाड़ी सर्विसिंग वर्कशॉप में जाती है रमजान के दिनों में। और दीन इस्लाम मेहनत का नाम है, हरकत का नाम है। आपको हज करने के लिए सेहत चाहिए, उसके बुनियाद में हरकत है, स्टैमिना चाहिए, वर्दिश चाहिए। और जिस दिन हम तैयार करेंगे ये चारों पहिए एक सा रहेंगे और जिंदगी की ट्रेन, जिस जिंदगी गाड़ी जिस सिमत में जाएगी, जिस सिमत में भी जाएगी, जिस सफर में भी जाएगी, कामयाबी की तरफ जाएगी, क्योंकि अंधेरे उसका बाल बांका नहीं कर सकते, उसके चारों पहिए दुरुस्त हैं, वो हर जगह रास्ते में खुबड़ खाबड़ रास्तों में उसका रास्ता निकालेगी, अंधेरे में रोशनी कहां से फैलेगी, गुफ्तगू से। क्योंकि चार पहिए आने के बाद जो यहां से बात निकलेगी वो हिकमत की होगी,
वो हार की नहीं हुई। कब बोलना, कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना, लहजे का हम घर में भी वही लहजा इस्तेमाल करते हैं, हम भूल जाते हैं। गुस्सा आजकल लोग आप गुस्से को बुरा नहीं समझते लोग, ये मुझे ताज्जुब लगता है। वो हमारी फैमिली को सलाम जो हमको बर्दाश्त करते हैं। मैं अक्सर गांव गांव शहर से घूमता हूं, अब पेरेंटिंग की तरफ हम आएंगे। वो रोशनी है आपके अल्फाज, जुबान, चार पहिए दुरुस्त हो जाएंगे तो जुबान किसी का दिल नहीं तोड़ेगी, हिकमत के लिए इस्तेमाल होगी। कई जगह कुछ नहीं बोलने से बात बहुत बनती है, जवाब देना जरूरी नहीं होता और सब लोग आपको परफेक्ट समझे ये हो नहीं सकता। और कोई इंसान परफेक्ट होता भी नहीं है और कोई इंसान परफेक्ट है भी नहीं। तो मैं पूरे हिंदुस्तान में जब घूमता हूं तो जगह जगह जाता हूं, तो जगह जगह जाने के बाद मैं प्लम्बर के साथ या मैकेनिक के साथ या छोटे मोटे काम करने वाले, हमारी गाड़ी रुक रुक कर यूट्यूब पे आप विजिट करेंगे तो उसके यूट्यूब पे आप जरूर जाइए, सईद अहमद पुणे डाल दें या सईद अहमद मोटिवेशन स्पीकर आप डाल दें तो मेरे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उसमें हमारा सफर भी दिखेगा आपको। हमने तकरीबन 45,000 किलोमीटर का सफर किया, तकरीबन 4,00,000 से ज्यादा बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन किया है। तो हम रास्ते में ठहर के उन बच्चों से, उन लोगों से जो मेहनत कश हैं, हलाल की कमाई कमाते हैं, एक हमाल, एक हमाल सबसे ज्यादा हलाल की कमाई उसकी ही हो सकती है। एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला प्योर, हम उनके लिए वर्कशॉप देते हैं, हम उनको बोलते हैं भाई पहले तो डाउट करते हैं क्या कुछ हैरान बांटने आए क्या कुछ, सबको ऐसे लगता है गैरत छीन चुकी है कौन सी, रिजोल्यूशन चाहिए उसको। कोई कहेगा खुद ही को कर बोलो इतना कि यार तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि बोलता है रिजोल्यूशन किधर है, रिजोल्यूशन लेने वाली कौन रिजोल्यूशन लाती है क्या, कैसे ला सकते साहब, लाई नहीं सकती। तो उनको हम गैरत की बात करते हैं, ईमान का हिस्सा गैरत है, तो उसमें हम बोलते भाई इसमें कितने लोग हैं जो घर जाके पीर को सलाम करते मुस्कुरा के वंदे करते, उस लायक नहीं समझे अपने घर को। बहुत खुशकिस्मत है हम लोग, वो पॉजिटिव माइंड है जो घर जाके अपने पीर को सलाम करता है। यहां तो लोग घर जाके अगर तक ठाकुरा हो गया सन्नाटा घर में एंट्री टेस्ट होती है, आर्टिफिशियल चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक सलाह है लेकिन सलाह नहीं चल रहा, घर में आने के बाद बच्चे डर जाते सहम जाते कोने में जाते भाई भूत तो नहीं आया। बाप जब घर में दाखिल हो जाए बाहर का मौसम आना चाहिए सर, बच्चे जब पक जाने चाहिए, हमारे घर का हमारी लाना आगे पता नहीं, ये बहुत जगह कल्चर नहीं है साहब। एंट्री होने के साथ आपको बाहर से अंदर जाते हुए आता है ना, लहजे भी बच्चों को कैसे इस्तेमाल करता है, आज तो एंट्री फोन पे होती है, हाँ क्या है, हाँ बहुत सीरियस होता है, फिर मैंने कहा और सीरियस होता है। अब बच्चे जब छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बड़ों भी नहीं, बड़े तो समझ चुके होते हैं भाई नहीं कोने में मुझे, अब बच्चे को उतना मालूम नहीं रहता, बाप एंट्री लेता है हेलो कैसे बच्चा, बोलता मेरी प्रॉपर्टी, अब वो बोल नीचे बोलता है बोलता मेरी प्रॉपर्टी को क्या हुआ। ये जो लहजा आप जानबूझकर नहीं करते, हम जाहिर नहीं है मदरत के साथ, लेकिन वो बाहर से लावा घेरा में मासूम बच्चे जो साहब जीती दे रहे कुत्ता भी नजदीक नहीं आता मानते हैं दबक जाता है। ये जो लहजा है ना बाद में आपको बुरा लगता है, आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते क्योंकि लहजा बहुत खतरनाक होता है। हमको अभी भी कई लोगों के लहजे वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई। तो घर का माहौल, बच्चों को सुनना, उनको वक्त देना, उनके साथ वक्त बिताना, ये जो हम दौलत कमाए बाप को सलाम,
सलाम, क्योंकि परवरिश तरबियत माँ बाप ही कर सकते हैं, उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है जो उनकी जगह ले। माँ तो 24 आवर्स करती है, कोई रिटर्न्स नहीं है। माँ वो अजीम हस्ती है जो बच्चों को कामयाब देखना चाहती है, बाप वो अजीम हस्ती है जो बच्चों की जीत के लिए हमेशा हारना चाहता है। उनके जज्बे को सलाम, लेकिन उनका एटीट्यूड ये बता नहीं पाता, उसकी सख्तियां कम्युनिकेशन हो नहीं पाती। आप बच्चों से दोस्ताना सलूक जब तक नहीं करेंगे, अपने विकार को बरकरार रखते हुए, बाप के ओहदे को बरकरार रखते हुए उसके जहन का हिस्सा बनना, रिश्तों को मजबूत करना, ये व्हाट्सएप, ये पबजी, ये जो वायरल निकला है, इससे एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। माँ जहालत ने थोड़ी सी राहत के लिए उनको कार्टून दिखा दिए, कुछ बच्चे तो ऐसे एडिक्ट हो गए जब तक कार्टून नहीं दिखा तो बच्चा खाता भी नहीं। ये गुलाम नस्ले बनने वाले किसी काम के नहीं, रोबोट बनेंगे तो इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, सब रेडीमेड रहेगा। इसका मुकाबला करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं, पेरेंट्स के हाथ में कोशिश करना है, रिजल्ट अल्लाह ताला देने वाला है। और माँ और बाप की जब हम मिसाल लेते हैं, माँ और बाप की, तो कुरान मजीद में बाप और बच्चों पर तफसीला जाता है साहब, जगह जगह पे माँ के मुकाबले में। नाफरमान बेटा, हम अपने हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन दे, बनना नहीं बनना कुदरत की बात है। ये मिसालें, ये निशानियां तरबियत की सबसे बड़ी चीजें। अगर ऐसा होता कि सब बच्चों को हम ही बनाते या हमारी वजह से ही सब बनेगा, ये भी गलत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हम अपने हिस्से का काम करें, वरना ऐसा होता तो फिरौन की बीवी ईमान नहीं लाती। हिदायत देना वो काम है, लेकिन अपना हिस्से का रोल अदा करना है। तो जिन बच्चों को पेरेंट्स की कुर्बत मिलती है, जिन पेरेंट्स के बाद खुद के लिए प्रोग्राम है पॉजिटिव और बच्चों के लिए भी प्रोग्राम करना है, आप बच्चे के रुझान को समझिए। उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना सक्सेस नहीं है, वो काबिल होगा तो जरूर बनेगा। उसकी उसके जहन का हिस्सा बनना, उसके सोचों का हिस्सा बनना, उसके लिए वक्त देना पड़ता है। ये तूफान जो आया है 400 रुपये में 90 दिन के लिए 2 GB रोज, 400 रुपये में 90 महीने के लिए इसमें रोज 2 GB, इस तूफान से कैसे बचाएंगे? ये तो शुरुआत है, इससे खतरनाक लोग ऐसे ही हो जाएंगे, बातों की साथ पे ऐसी हो जाएगी बात। देख देख पबजी और कैसी खतरनाक गेम्स हैं, ये भूल भुलैया है। ये अभी तक का जो सर्वे हुआ है, इसमें रिसर्च भी हो रहा है, वो लोग इसके एडिक्ट बने हैं जिनमें उनकी जिनकी परवरिश प्रॉपर नहीं होती, जिनके वालिदैन की सरपरस्ती या देखरेख नहीं है उन पे, या जिनको प्यार नहीं मिला है। जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता, कुर्बत नहीं मिलती, वो इसमें सुकून तलाश करते हैं। आप जब कभी मोबाइल यूज कर रहे हैं और बेटा मुखातिब हो रहा है, आने के साथ उससे मुखातिब होना इसको बंद कर, वरना आगे बैठा है वो भी ऐसा कर रहा है, बड़ा बेटा भी ऐसा कर रहा है, बहू भी ऐसी कर रही है, माँ भी ऐसी कर रही है। तो ये इससे हमको निकलना है, ये इसकी जरूरत है, खाने की जरूरत है, सोने की जरूरत है। इसको फोड़ने से मसला हल नहीं होगा, टीवी फोड़ने से टीवी बंद नहीं होने वाला है। एक आला है, इसका अच्छा भी इस्तेमाल हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जैसा खाना जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन
कितना इस्तेमाल करें, या अगर पॉजिटिविटी होगी तो इसमें कंट्रोल आएगा, वरना आदमी गम को भुलाने के लिए, टेंशन फ्री करने के लिए मजीद सुकून हो जाता है। तो वो माँ वो बाप, पहले क्या होता था, माँ बाप थोड़ा गफलत बरत के लिए उनके रिप्लेसमेंट के लिए दादा दादी नाना नानी ये बड़े अब्बा चाचा मामू खाला पुप्पी फूफा ये परवरिश को निगरानी को एक कुंभा रहता, बाकी रिश्तेदारी रहती थी। अब बहुत जगह यहाँ भी मसाले नहीं होंगे, आप लकी हैं, तो मैं इन जनरल बातें कर रहा हूँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है और सबसे बड़ा मसला अभी एक सर्वे हो गया कि इंडिया में सबसे खराब हालत बुजुर्गों की है, और नो मोर हो चुके हैं, उनकी घर की खुशियों में उनको शामिल नहीं किया जाता। हमारे पास ओल्ड एज होम का रिवाज नहीं है मान लिया, लेकिन जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उनको एक साइड में किया जाता है, किसी को बैठने के उनके पास टाइम नहीं है। शायद देहातों में हो, मुझे यहाँ तो उतना ही नहीं है, मैं मेजोरिटी जगहों की बात कर रहा हूँ। उनको खुशियों में शामिल करना, उनके साथ बातचीत करना, ये बहुत जरूरी है। हम पेरेंटिंग के नाम पर बच्चों के जहन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो रिश्तों को मजबूत करना जरूरी है। जब तक हम रिश्तों को मजबूत नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। और एक सबसे अहम बात कि क्या करें, अब चलो बहुत सारे मसाइल पर हमने बात की, एक तो सेल्फ एनालिसिस पे बात की, दो घंटे चार पेपरों को देना है, ये बात तो समझ में आ गई। आप शुरुआत करें, अपनी कमजोरी लिख कर निकालें, मुझ में क्या कमजोरी है, पांच कमजोरी, और सेल्फ एनालिसिस करके उन कमजोरी से निकलने के लिए मेरे पास कितना वक्त है, 8 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने, उसका मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बिना वजह बरस पड़ता हूँ, बाद में एहसास होता है ये मेरी खामी है। इसको निकालने के लिए 1 महीना डेट लिखिए, 31 जनवरी 2020 तक मुझमें से निकल जाएगा, और पता चला 2020 में कुछ भी फर्क नहीं आया, वैसे ही मैं हूँ। फिर डेट बढ़ा दीजिए, फिर डेट बढ़ा दीजिए, फिर डेट बढ़ा दीजिए। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, बुरी आदतें लगी हुई हैं उससे निकलने का भी यही तरीका है, उसको दिल से निकालना। मैं चेन स्मोकर था, रोज 1.5-2 पैकेट सिगरेट पीता था, जब मैं स्पीड में आया तो मैं भी कॉन्शियस करता था, मैं हेल्थ पर बातें करता हूँ, मेरी हेल्थ में तबाह कर रहा हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल से छूटती है, मैं ऐसे ही कहता हूँ इतने दायरे में छोड़ूंगा, अगले इसमें छोड़ूंगा, पर कोशिश करते रहना चाहिए। आज मैं उन चीज़ों से दूर हूँ, उससे ताकत बढ़ गई है, बदन की ताकत। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं, बच्चों के जहन का हिस्सा बनना, ऑब्जर्वेशन, उन बच्चों के आंखों में आगे जाकर बात करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को दोस्त बनाइए, उनके साथ वक्त बिताइए, सुबह 3 मिनट माँ 3 मिनट दे, बाप 3 मिनट दे, आई कॉन्टेक्ट करके उससे मिले, उससे बात करें, 3 मिनट के 13 मिनट भी हो सकते हैं। अब यहाँ बच्चे भी हैं, आप भी 3 मिनट दे उनको, वो जब 3 मिनट दे रहे हैं तो खेलने जाना है, बैठो उनकी आंख में आंख डाल के देखो, 3 मिनट स्कूल से आने के बाद 3 मिनट तक अपनी माँ और बाप को देना है। बाप अगर बिजी है तो शाम में मिल सकते हैं, और बाप यहाँ नहीं है, बॉम्बे में है, कहीं रोजी रोटी की तलाश में, उधर बाहर दुबई में है, तो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मिलना असल चीज है, एक दूसरे को टच करना, आई कॉन्टेक्ट करना, तो जहन मिजाज का पता चलता है। वरना कई वाले दिन है बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बाहर से पता चलता है बाप का बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बाप उसकी अलग उसी को पता है क्या टैलेंट है उसे, क्योंकि उसने दोस्त बनाई नहीं, खाली जरूरतें पूरी करने को परवरिश समझ रहा है। टच होना, उसके ताल्लुक बनाना, 9 मिनट दीजिए, रिश्तों में मजबूती यहीं से शुरू होती है। मिलना, आप अपने बच्चे को मिल रहे हैं, वो बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। 9 मिनट, 9 मिनट के 90 मिनट हो सकते हैं, आप बच्चे से मिल रहे हैं उसका हक अदा कर रहे हैं, उसके बचपन का हक अदा कर रहे हैं। कल हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा भी एक बचपना है, क्योंकि हमने उसके बचपन के साथ दिया था, वो हमारे बुढ़ापे वाले बचपन के साथ।
गिवन टेक का मामला है सर, कुर्बत बढ़ती है। ये बड़ी 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 बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब बातें आप जानते हैं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। और इसके बाद आखिर में रिश्तों को, मैं बूढ़ों की बात कर रहा था, उस माँ को, उस बाप को सलाम। माँ के बारे में बहुत कहा जाता है, सब जगह महत्व नहीं किया जाता, सबसे बड़ा ज्यादती होती है बाप के बारे में। बाप के बारे में जब कुरान बहुत कहता है, हम बहुत कम कहते हैं बाप के बारे में। बाप तो मुआफ़ी सुनता है, वो रो नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, लेकिन जिस घर में बाप होता है उस घर में किसी की निगाह नहीं चल रही। वो खुद बने हुए चप्पल पहनेगा लेकिन अपने औलाद के लिए नए ड्रेस पहनाएगा, उसके लिए फिक्र मत होती है। वो फिक्र अच्छे तक भी पहुंचनी चाहिए शफकत के माहौल में। तो जाने से पहले वो एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, ये है माँ के लिए लेकिन इसमें बाप भी शामिल है, ये समझ कर आप उसको सुने, उनकी फीलिंग को समझें। क्योंकि जब खानदान मजबूत होते हैं तब जाकर हीरो बनते हैं। मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल बाबसाल में देखो, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, आपके बगल में दादी है, दादा है, उनको वक्त कीजिए। मतलब किस लिए कह रहा हूँ मैं, एक घंटा आपने दिया बॉडी पावर के लिए, एक घंटे में से क्लासीफाई कीजिए रूह की ताकत अलग, दिल की ताकत अलग, रिश्तों को मजबूत करने की ताकत अलग। तो रोजाना उन लोगों से, बुजुर्गों से उनके पास बैठना, सिर्फ बैठो, बाकी कुछ करो मत, खिदमत करते होंगे अभी और भी बैठते होंगे, उनको हमारा सलाम है, क्योंकि यही तो हासिल है। आपको भी ठंडक, मतलब क्या पैसा नहीं, कुर्बत, बूढ़ा होने के बाद किसी भी इंसान से पूछो, उसको उसका बेटा, उसको बेटी या पोता, उसका उसूल, उसका सूद, पोता पोती नजदीक आने के बाद उसको दौलत मिल जाती है, एक सुकून आ जाता है। तो ये फीलिंग्स जगाने के लिए, मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल बाव साल में देखो, सबर का दामन थामे रखना, कड़वा है ये घूंट लेकिन चखना, उफ न कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना, हाथ मेरे अगर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत रखना, लहजे को बेजार न करना, भूल न जाना, इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर बल देते थे, मैं तुम्हारा भोसा लेकर हंस देते थे, कपड़ों की तब्दीली में कर देर लगा था, याद रख जाऊंगे मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार कर, भूल न जाना, इतने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहना दी थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी, नहाने में सुस्ती हो जाए तो मुझको शर्मिंदा मत करना, ये न कहना आपसे कितनी बू आती है, भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नैना खाते चिड़िया घर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी, कैसे कैसे हीरो बहानों से तुमको आमादा करती थी, मेरे ये कमजोर कदम पर जल्दी जल्दी उठ ना पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज अपनी रफ्तार न करना, भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, मेरे पाँव के हल्के में गिरना और संभलना सीखा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा लग पकड़ न पाऊं, यादें बाजे में खो जाऊं, आसानी से समझ न पाऊं, मुझ पर हैरत से मत हंसना, लहजे को बेजार कर, भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100-100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाह से हर बार सुनाया करती थी, जो कुछ दोहराने को कहते वो दोहराया करती थी, घर में जल्दी समझ ना पाऊं, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊं, मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद हम कुछ सीख सकें। हमने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना लिखना पढ़ना और आंखों में आगे डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना, मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझको झिटकी ना देना,
यह ना कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को खूब खूब करके शोर मचाते रहती हैं। भूल न जाना हमने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। जब हम खाना न खाएं हमको तुम मजबूर न करना, जिस शय को जी चाहे मेरा उसको मुझसे दूर न करना, परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर न करना, किसका फर्ज है हमको रखना, किसका फर्ज है हमको रखना, इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना, जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्जाम न धरना, गरजे एक दिन हम कहते अब जीने की इच्छा नहीं है, तुम हम पर नाराज न होना, जीवन का ये राज समझना, परसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत हो जाती है, सांस की डोर रह जाती है, शायद कल तुम जान सकोगे, इन माँ बाप को पहचान सकोगे। गत जीवन की इस दौड़ में हमने सब कुछ हार दिया है, लेकिन हमारे दामन में जो कुछ था तुम बर्बाद दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है, जब हम मर जाए तो हमको मेरे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना, मेरे प्यारे रब से कहना रहम हमारे माँ बाप पर करते, जैसे उसने बचपन में हम कमजोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक हम में जान थी बाकी खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था, खैर तुम्हारी मांगी हमने, तुम्हारी हर सांस एक दुआ थी। ये सुनाने के पीछे मतलब ये है वो कितना अमीर बनता है, कितना गोल्ड मेडल से बनता है, उससे कहीं ज्यादा वो अपनों का कितना अच्छा बनता है। जो बच्चे जो लोग अपने माँ बाप के नहीं हो सकते वो दुनिया में किसी के लिए नहीं हो सकते, वो कुछ भी बने अपने अलावा, अपने अलावा वो तो जानवर वाली जिंदगी है साहब, अपने लिए जानवर जीता है। और इस्लाम का गुरु उसने सुना है कि इसके बारे में आज याद दिलाना बहुत जरूरी है। परिंदा चला जाए, परिंदा भी घोंसले से निकलता है ना तो शाम में साहब वापस आता है। सिर्फ दौलत के लिए रिश्तों को दूर करना, दौलत ये लोग पाया जाते हैं ठीक है, एज तक पाया जाए, लेकिन आना तो पुरुष तो पुरुष ही है, आना यही है। ये मिट्टी का अपना हक अदा करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है, अपने मोहल्ले के लिए, अपनों के लिए, अपने हिस्से का चला चला। और ये जब चीजें इंसान में आती हैं तो वहां से आपको जिंदगी जीने का मकसद मिलता है। कामयाबी किसी एक शय का नाम नहीं है साहब, ये देर तक चलने वाला काम है, सांस के आखिरी हिचके तक। और जिसके पास ये फाइसेंस तस्किया नफ्स वही लोग करते हैं जिनके पास आखिरत में जवाबदेही का एहसास होता है। ये छोटी सी जिंदगी है, इसको संवारना निखारना। बहादुर शाह साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि मैं ये माँ बाप की इसलिए कह रहा था कि आजकल आए दिन सबसे खतरनाक वाक्य हो रहे हैं। अगर मैं काया जमान साहब से वही बोल रहा था 16 एक वाक्य बता कि मैं अपनी बस बात खत्म कर रहा हूँ, किसका सवाल है तो जरूर पूछें, यूट्यूब पे सारी चीजें आपको मिलेगी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। 2016 का वाक्य है, लोकल वाला कॉम्प्लेक्स जो बॉम्बे में आ लोग रहते हैं मालूम है, मालूम वहाँ के फ्लैट की कीमत क्या है, 7 करोड़ में, कम से कम 7 करोड़ का एक फ्लैट होता है, 7 करोड़ का। तो वहां सहारी नाम की एक फैमिली 2016 की बात है, और बच्चा 10 साल से अमेरिका में था, माँ का फोन आया बेटा उस 7 करोड़ के फ्लैट में माँ गिरी रहती। अब एक अजीब कंसेप्ट है कि बड़े बड़े मकान बनाने में लोगों को क्रेज आ गया, ये जरूरत से ज्यादा, यानी उनके पास समाज को देने के लिए कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ना दें, तो 7 करोड़ के फ्लैट में वो बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, नौकरानी थी इस पे। जब बुढ़ापा बहुत ज्यादा हो गया उसने बेटे को फोन करी, वो उसको ही फोन करती थी, बेटे को फोन करी कि बेटा अकेले रहा नहीं जाता, या तो आप वहां से आ जाओ
या मुझे वहां ले जाओ। तो उसके बाद वो बच्चा भी कैसा बच्चा था, उनको ऐसा लगता है कि पैसे दे तो सारे मसले हल हो जाते हैं। वो कॉन्टैक्ट ही नहीं किया कई दिन तक, अरे अकाउंट में पैसे डालते गया और सब ठीक होता। 10 महीने 11 महीने तक उसने माँ से खैर खैरियत ही नहीं पूछी। और बाद में जब आया हो तो वो फ्लैट भी ऊपर के हिस्से में था जहाँ वेंटिलेशन ज्यादा है, ऐसा इसमें नहीं था। तो जब देखा तो दरवाजा बंद था और जब खोलना चाहा तो नहीं खोलने लगा, बेल बजाया, दरवाजा खोलना पड़ा चाबी वाले को बुलाकर। जैसे ही खोला सामने क्या मंजर देखता है, 10 महीने से उसकी माँ मर के पड़ी थी उस चेयर पे, सिर्फ हड्डिया का ढांचा था। 2016 की बात है, सहानी फैमिली है, ये अखबार में खबर छपी थी। तो ये कौन सा सक्सेस है साहब, 7 करोड़ के फ्लैट का रहने वाला, कम से कम 20 करोड़ एक्स्ट्रा बैंक में होंगे उसके, हासिल किया है। तो ऐसी तरक्की कौन सी तरक्की जो रिश्तों को हक अदा ना करे। बहुत दिल दहलाने वाले वाकयात होते हैं। अभी एक बच्चे ने तो ज्यादा के लिए चूहे छोड़ दिए अपने बच्चे माँ के ऊपर। तो बहुत सारे वाकयात हैं, मुझे लगता है हमको अपने आने वाली नस्लों को मजबूत बनाना है, उनको मकसद देना है, उनको अच्छा इंसान हम कैसे बना सकते हैं। आप उनको प्यार देंगे वो अच्छे बनेंगे, वक्त देंगे आप उसका दोस्त बनिए। अगर आप हम अपनी औलाद का अच्छा दोस्त नहीं बनते तो बाहर एक बुरा दोस्त उसका इंतजार कर रहा है, याद रखिए। और बात है लड़का और लड़की की, लड़की 10 मिनट अगर लेट आती है हमारे होश उठ जाते हैं, फिक्र लगती है मदरसे से 10 मिनट लेट आने के बाद, और लड़का 1 घंटा लेता था, कान भी झूली नहीं थी क्योंकि लड़का बाप पे गया ना। उतनी ही शक्तियां शुरू से हम लड़कों के लिए, और दूसरी बात जब आप उसके जहन का हिस्सा बने, बच्चों के साथ बदफैली के भयानक वाक्यात हो रहे हैं, जब उसकी आंखों में आप देखेंगे ऐसा कोई हादसा होता है, दोस्त बनेंगे तो आपको मालूम होगा। आके बता दें बच्चा अचानक झुमझुम हो जाता है, पढ़ाई करते करते ब्रेक लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी अब बोलना पड़ता है, इस पे बात करना जरूरी है। ये सेक्सुअल अब्यूज जो होता है, फैंसी दरिंदे लोग, कोई बाहर का नहीं होता, नजदीक का कोई होता है। हम इस पे बात करना गैर मुनासिब समझते हैं, लेकिन नहीं, बाप कर सकता है, माँ कर सकती है, अपने बेटे को अपने बीटी को माँ और बेटे को बाप ये समझाए, बेटा तेरे बदन के ऐसे कुछ आजा है जहाँ हम के हाथ नहीं लगा सकते, अगर कोई लगाता है तो उस वक्त क्या करें, कैसे छुटकारा पाए, हमको आके बताना है, बता नहीं पाते। ऐसा से जो बच्चों को विक्टिम होता है, जिस पर जुल्म हुआ है, और ऐसे लोग उन बच्चों को निशाना बनाते हैं जिनका बच्चों पर माँ बाप का एक ध्यान नहीं होता, जो माँ बाप से कटे हुए होते हैं, जो माँ बाप से दूर होते हैं, जो किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते, या माजूर होते हैं ताकि उनका वो गुनाह छुप सकता है, वो किसी को बोल भी नहीं सकते डर और खौफ से। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मोहब्बत के प्यार से होते हैं, ऐसे लोग उनको मोहब्बत के जाल में घेर कर उनसे वो नाजायज हरकतें करते हैं। फिर बच्चे को भी बोलता है कि वो प्यार का प्यासा होता है, वो भी बर्दाश्त करने लगता है। बहुत सारे वाकियात हैं, मैं सिर्फ इशारा करके जा रहा हूँ। तो बाकी हमने बहुत सारे आपके साथ बातें की, कोशिश की, इसके हम वर्कशॉप देते हैं, मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके काम की नूयत आपको बताई है। इसमें बच्चे इंटरव्यू कैसे दें, रुझान को कैसे समझें, डर कैसे निकालें, और हाँ मतलब 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक की, 5 दिन तक की, अलहमदुल्ला मैं जब उतुल फला में तो कई बार आया हूँ,
اسلامی میں جانے کا موقع ملا اس بار الحمدللہ ہم ان کے مشکور ہیں دستک خود ہم نے دی ہے اس کے علاوہ ہندوستان کے دارو مشرن پٹنہ عمر آباد تمل ناڈو اس کے علاوہ آپ کا لکھنؤ ننواں اور عمارت شریعہ کیا کہیے پٹنہ بہار اور کئی چھوٹے چھوٹے مدارس میں ہم علماء کے ساتھ بھی ایک ٹریننگ پروگرام لیتے ہیں ہم اسکالر نہیں ہیں ہم عالم نہیں ہیں ہم ٹرینر ہیں کئی بار ایگو ہٹ ہوتا ہے اب ہم کو سکھا دیا یہ یاد ڈر ایک ٹیکنیک ہے یہاں آنے کے بعد ڈر کیسے نکالیں کس طرح سے بات کریں یہ ایک فن ہے سیکھا جا سکتا ہے اور ہمارے پاس ساری توازمات ہیں اگر اس کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے میں نے کوشش کی پچھلے کی رہے کہ کئی سوالات آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے وہ اس سلسلہ میں تو تمام ذمہ داران صاحب کا جنہوں نے یہاں موقع دیا اس مقدس جگہ پہ کھڑے رہنے کا میں تو ایک ویٹر ہوں میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پروسی ہیں ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہیں آپ نے اس کو بڑے ذوق سے سنا صرف یہاں سے خالی مت جائیے جذبات میں مت جائیے کم سے کم جو میں نے بتایا دونوں کے لیے دو پروگرام میں نے کیا ہے دو گھنٹے خود کے لیے دیتا تب جا کے یہ بیٹھنے کا حاصل ہے تین گھنٹے کی ایکسرسائز پسینہ بہانے تک ہیئر کا ڈیزائن اور چاروں ویپن کا ڈیزائن دو گھنٹے باقی ایک گھنٹہ روح کی طاقت دل کی طاقت بدن کی طاقت دماغ کی طاقت اس کے لیے دماغ کو کیسے نگیٹیوٹی سے نکالا کیسے سیلف موٹیویشن پروگرام کیسے کریں تو میں نے سب بتایا دو گھنٹے خود کے لیے نکالیے اپنوں کے ساتھ رہیے اور دوسری بات نو منٹ اپنے بچوں کو دیجیے اور ایک چینج پائے گیا وہ بچہ کل تک جو ایسا دیکھتا تھا اب ایسا نہیں دیکھے گا آپ کو دیکھے گا بھی تو پیار کے ساتھ دیکھے گا بہت سارے اس کے سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب ہمارے ہم رول ماڈلز کے ساتھ نہیں بنیں گے جب تک میرا آنکھوں کی ٹھنڈک یہ جملے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں پیرنٹنگ ورک شاپ کے لیے میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک کب بڑھے گی ان سارے ڈسپیوٹ کے ساتھ کچھ باتیں میری اولاد کی پسند نہیں بیٹے کو بھی کچھ میرا مزاج پسند نہیں اسی کے ساتھ ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن اس میں ایک جوڑ ہے اگر اس سے کوئی پوچھا جائے میچور ہونے کے بعد بیٹا تو کس کے جیسا بننا چاہتا ہے اگر میری اولاد یہ کہتی ہے میں اپنے باپ کی طرف بننا چاہتا ہوں میں اپنی ماں کی طرف بننا چاہتا ہوں سمجھنا آنکھوں کی ٹھنڈک میں جانے سے پہلے یہ میسج لے کے جائیے نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سب مٹی میں مل جائیں نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سب دھرتی میں مل جائیں چلو کچھ کام کر جائیں کسی کے کام آ جائیں کوئی رستہ سجا جائے کوئی بستہ تھما جائے کسی کی رہنمائی ہو کسی کا گھر بن جائے ابھی بھی وقت ہے یار اے مفن کے ہلکا رو سیکھا ہے سکھا جاؤ جو سیکھا ہے وہ سیکھا جاؤ تو اصل میں یہ جب تک پلاننگ نہیں جمے گا تو وہیں سے شروعات ہوتی ہے کچھ کر گزرنے کی تو میں عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کا عظمت اکیڈمی کا اور ان سے جڑے ہوئے تمام لوگ جو ان کی آواز پر لبق ہے طاہر جمال صاحب کا عارف اسلائی صاحب کا پچھلے 23 تاریخ سے لگاتار ہمارے دن دن بھر کے پروگرام سات سات گھنٹے ہم بات کر رہے ہیں میں تو کام پہ ہوں لیکن میں ان کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ کل کا آخری پروگرام ہے طاہر جمال صاحب یہ سب اپنی مصروفیات چھوڑ کر ہم گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں ایک دستک دے رہے ہیں اس امید پہ کہ ہمارا لگا کہ جو سویا ہے وہ ضرور جاگے گا جو سونے کی ایکٹنگ کرے گا اس کو تو قدرت بھی نہیں جگہ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں ایک
तरह हो सकता है मैं इंसान हूँ, मैं देख चुका हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। مہمان گرامی سے اگر کسی کو کوئی سوال سوال ہے تو ضرور پوچھئے۔ دو ایک سوال 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 کے جواب کے بعد آپ اس نشست کو وائنڈ اپ بھی کریں گے۔ سوال میں دراصل آپ نے جب اس خلاصہ کنکلوژن بتایا ہے دراصل آپ کا تعلق شہر سے آپ نے کہا کہ دیہات کی نفسیات سے میں واقف भी बोला उस कंक्लूजन में एक चीज में उसने जोड़ना था बताया आपके जरूर लेकिन कंक्लूजन में उसका जिक्र नहीं किया भाई इतिहास के नुकते नजर से मेरा पहले ये अंदर में वो ये है कि यहाँ की नफ्सियात अभी आपने एक बात कही कि वायरस के और दूसरी चीज हर चीज को डिलीट करना जो भी रद्दी चीजें हैं उसके बगैर हम इसका तहफुज नहीं कर उसकी आप बोल रहे थे मुझे जाने अहादीस और कुरान कितनी आयतें मेरे सामने आ रही थी حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سر پہ پتھر کھائے اور جس پر کیا کیا چیزیں اگر مکہ کی ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر کیا ہوتا تو آج دنیا کے 100% میں سب سے نمبر ایک پہ رکھنے والا عیسائی ان کے نمبر ایک پہ رکھتا رکھتا اس کے دیہات کے لحاظ سے میں ایک بات بتا دوں سب سے بڑی چیز رکاوٹ جو ہوتی ہے وہی چیزیں جس کو آپ نے بتایا بغض حسد ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اوپر لے جا سکتا اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم جب تک اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے ایسا لے لیں گویا ہمارے ہم کو کچھ ہوا ہی نہیں گیا اس کو ہم سب ریوستر ٹارنس پر اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ نے جو کچھ بتایا میں سمجھتا ہوں کہ روزن میں کم سے کم دیہات پہ اس کا اعادہ ضرور کرنا اس کو اس پہ ضرور شامل کیا یہ سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے دیہات ہوتا ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ ہر انسان یہ سوچ کہ زمانہ کیا ہے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے بلکہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ذات سے کیا دے کے جانا چاہتے ہیں یہ جذبہ بیدار ہو جائے تو آج سب سوچے تو بس ان کا مجھے بہت بھی بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے اور شکمہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر سر دو سوال دو اپنے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں سوال ہے تو ضرور جی سوال ہاں سوال پہلا سوال آپ سے ہے کہ جو آپ نے اینٹی وائرس بات کی تھی روکنے کے لیے سوال یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ایز اے مسلم ہم ایمان کی وجہ سے روک لیں علم کی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن جو غیر مسلم کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنے علم کی حفاظت کیسے کرتے ہیں اور دوسرا سوال ایک منٹ سے یہ سوال پہلے مجھے سمجھ لیں یہ دیکھیے پھر سے میں دوہرائی آپ چاہتے ہیں کہ آپ جواب دے گا احساس تو یہ جس میں ہوتا ہے نا تو وہ کیونکہ وہ جانتا ہے اور خوف خدا مطلب سزا دینا اس لیے ڈرنا نہیں ہے عزت کا ڈرنا کانسنٹریشن کب ہو جاتا ہے اپنے ایک سوئی قدم کب ختم ہو جاتی ہے ٹارگٹ کب ختم ہو جاتا ہے جب دماغ میں غیر ضروری چیزیں آتی ہیں ان کے پاس پیس ہے ان کو چھیننے کے لیے کوئی نہیں ہے ان کے پاس سیدھا سیدھا ٹارگٹ ہے ہمارے پاس ایک منٹ میں سوال بتا دوں ایک منٹ نہیں یہ سوال ان کا یہ ہے غالباً کہ اس کو لیے ہمیں اینٹی وائرس چاہیے خوف خدا تو زندگی میں کامیابی جو پہلے یورپ کو مل گئی ہے وہاں تو اس کا کنسپشن ہی نہیں ہے تو ان کو کامیابی کا یہ دینا چاہتے ہیں
उनकी कामयाबी का एक ही सीजन है कुरान में 756 आयतों में रब्बुल आलमीन ने गौर फिक्र करने का हुक्म दिया है। जब तक उम्मत मुस्लिमा गौर फिक्र करती थी 808 तक, जबकि जो टॉपर थे 14 टॉपर थे, नोबेल प्राइज जिसको बोलते हैं ना, 14 टॉपर थे उसमें, उस दौर में 8 ऐसे मुस्लिम थे। तो गौर फिक्र करने का जब सिलसिला खत्म हो जाता है तब हाथ से कमा चले जाते, गौर फिक्र करना। हाँ जब आप ये कह रहे हैं बात, तो यही कहना चाहिए तमाम लोगों के लिए, खुद ऐसा भी या गौर फिक्र तमाम लोगों के लिए, इसको मुस्लिम और एज ए यूरोप के अलग रख दीजिए बस। कौन कर रहा है आपकी जो बातें की उस मैं ऐसा लाउड मैं ऐसा नहीं किया, ये लागू सब पे होता है। और एक सवाल और, शख्सियत के इख्तिताम में किन चीज़ों पर रुकावट पैदा होती है, कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शख्सियत बनाने में रुकावट पैदा करती है? एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो डर और खौफ है, एक तो छोटा खौफ है, इतना देखना था सेटलमेंट। ये जो डर और खौफ, जैसा एक इंटरव्यू निकलता है, मैं आम जहन की अक्कासी करता हूँ, इन्होंने बहुत प्यारा सवाल पूछा है। रुकावटें, डर और खौफ, क्या तुम देखते हैं कौन आग जमी देख पलक देख, है ना, वो शेर को सुना होगा आपने, तो बड़े से बड़ा खौफ देखना है। हम तो बोलते हैं छोटा खौफ देखना गुनाह है, इसे क्राइम। तो रुकावटें, एक तो टाइम मैनेजमेंट, उसके अलावा प्लान, हमारे अपने आप को लेकर प्लान ही नहीं है, हम सब का शॉर्टकट पे आना चाहते हैं। कई लोगों के पास प्लान नहीं करने का प्लान होता है, वो भी एक प्लान। एक तो इरादे और वक्त लगता है खुद के रुझान को समझने का, हम दूसरों संगे बनना चाहते हैं। सक्सेस विद इन अस, कामयाबी हमारे अंदर है, हमारी सांसों में है, और उस सोच में पोषिदा है जो 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में है। जब 100 ही आती है वहां कामयाबी आती है। अब आप कौन से क्लास में हैं? इस्लाम में। आप जो काम हमारे हाथ में है उसको टारगेट हम नहीं करते, बल्कि गैर जरूरी चीजें हमारे दिमाग आगे चलते रहता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी अगर उसकी लिमिट 80 की है, दिमाग में अगर 140 रहा तो एक्सीडेंट है। तो हालात का जायजा लेके मुझे किसको कितना वक्त देना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और कमिटमेंट और टाइम टेबल, ये चीजें बहुत जरूरी है। और उसका ताल्लुक है सोचों से, एक सोई से, ये तिष्ठगी रहेगी, क्योंकि कुछ चीजें हम गेम के लिए बताते हैं, फिर ये इर्तिका है दिमाग का मुंतशर रहना, ये रुकावट है। एक सोई का नहीं रहना, हेल्थ का खराब रहना, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप शख्सियत में निखारना चाहते हैं, पूरे जोश और जज्बे के साथ किताब खोलते हैं, ये रुकावट है, ये रुकावट ही तो है ना। आप ये डिजाइन बनाइए अपने सुबह से शाम तक, एक रूटीन बनाए। और कोई सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तिष्ठने की बाकी रही होगा, सवाल है कोई? एक बात, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक चीज आपने जो खौफ है खुदा बंदे के ताल्लुक से जो बात रखी है, पर आपकी गुफ्तगू में उसका एक जवाब ये था कि इंसान जो भी काम करता है उसका कोई ना कोई मोटिवेटर होता है, बगैर मोटिवेटर के कोई काम वजह कोई दाइया होता है, तो उनके पास जो दाइया है कि वो दुनिया को ये दिखा दे कि हम यहाँ तक पहुंचे, और हमें मोमिन के अंदर जो दाइया होता है वो अल्लाह की रजा का दाइया होता है। लेकिन उसके बरक्स हम हमारा दाइया महदूद होके पेट और खाने और खुराक पर चलाया है, और उनका दाइया वही छोटा सा दाइया जो उससे ऊपर है वो उनकी कामयाबी का जरिया है, वही तफक्कुम तफक्कुम। और मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आप जितनी बातें आपने की हैं जो बताएं आपको लग रही है उनका दीन से ताल्लुक है, लेकिन हर हर आयत में हर हर गुफ्तगु पर मुझे अहादीस और कुरान की आयतें को डिलीट कर लेता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो फतह मक्के के दौर की जिंदगी थी, जो दर्दनाक वाकयात है, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डिलीट ना किया होता फतह मक्का के मौका पर, और आपने ये ना कहा फतहु अंतुम तुरफा जैसा ये आपने ऐलान ना किया होता, तो शायद इस्लाम को ये बड़ी कामयाबी ना मिल सकी होती। इसलिए मैं यहाँ के नुक्ते नजर से कहना चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे के मुकाबले में सबकत ले जाना,
एक दूसरे से बख्त हसद जलन ये जो मुकामी चीजें हमारे दिल में जो खून की तरह से खा रही है तो खुदा के वास्ते इसको निकाल के आपके बातों पर अमल करें और ये आप कामयाबी नहीं कामयाबी वो आपके अंदर मौजूद है। मुअस्सिर और मुअस्सर दोनों जब एकता होते हैं तब कोई रिजल्ट निकलता है। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे लिए अपने दिल में जगह रखें और जाते जाते इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप यहाँ इस गांव के लिए आप फिर कभी हम चाहेंगे और आप आने का वादा करके जाए। और बस एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नमाज होगी ज्यादा नरमा वक्त देने की जरूरत नहीं। आठ बजे जी आप सिर्फ मजमूई मैं एक तासुर डालना चाहता हूँ कि राय हम मेहमान ग्रामी को फिर बुला सकते हैं। उम्मीद रहा बहुत कुछ सीखा हमने इंशाल्लाह फिर सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखें लाइक करें और शेयर करें पेज को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।